बच्चों कैसे हो आप सब? आशा है आप सब सुरक्षित होंगे। मैं हिरल वाघेला सेशन 3 में आपका स्वागत करती हूँ। हमने अगले 2 सेशन में चित्र पाठ के माध्यम से नई कहानी बनाई और समझी। इस कहानी के आधार पर हमें कुछ अच्छी बातों का ज्ञान भी प्राप्त हुआ, है ना बच्चों? हाँ, तो हम अब सेशन 2 का पुनरावर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सेशन 2 में हमने एक नई कहानी बनाई थी, पता है बच्चों आप सबको? हाँ, बिल्कुल सही, जिसका शीर्षक है बातूनी कछुआ। और बातूनी का मतलब, हाँ बिल्कुल सही, बातूनी मतलब बहुत ज्यादा बोल बोल करने वाला, है ना? हाँ, इस कहानी में हमने देखा कि कछुआ अपनी इस बुरी आदत की वजह से अपनी जान गंवा बैठता है। इस कहानी में हमें यह भी सीख मिली कि हमें दूसरों की बात का मान रखना चाहिए। तो चलो बच्चों, आज हम फिर से सेशन 3 में चित्रों के माध्यम से एक और नई कहानी बनाते हैं और समझते हैं। इकाई 1, कौवा और लोमड़ी। चित्रपाठ। बच्चों, इस बार हमारा जो चित्रपाठ है वह बुद्धि चातुर्य पर आधार रखता है। इस चित्रपाठ में हमें यह बात समझाई गई है कि हमें किसी की भी बातों में आना चाहिए नहीं, और अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। हमारा जो चित्रपाठ है, इस चित्रपाठ की कहानी का पात्र भी अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे करता है, यह बात समझाई गई है। तो चलो बच्चों, चित्रों के माध्यम से हम कहानी बनाते हैं और समझते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, एक कौवा था। वह बहुत भूखा था। भोजन की तलाश में वह इधर उधर भटक रहा था, परंतु कहीं पर भी उसे खाना मिला नहीं। आखिरकार वह थक गया और एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। अरे वाह, क्या किस्मत है! अचानक ही उसकी नज़र एक घर के पास पड़ी। आंगन में उसे रोटी का टुकड़ा दिखाई दिया। वह तुरंत ही वहां गया और रोटी का टुकड़ा उठाकर उड़ता हुआ जंगल की तरफ चला गया। वहां उसने एक घना पेड़ देखा। पेड़ की शाख पर जाकर वह बैठ गया। उसी वक्त एक लोमड़ी वहां से गुजर रही थी। लोमड़ी ने देखा कि कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा फंसा हुआ है। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी का टुकड़ा ले लूंगी, पर ये कैसे होगा? कौवा तो पेड़ पर बैठा है। उसने एक योजना बनाई। लोमड़ी ने कौवे से कहा, अरे कौवे भाई, तुम कितने खूबसूरत हो! तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है! और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है।
क्या ये बात सच है? यह सुनकर कौवा हैरान रह गया। बच्चों जानते हो क्यों? हाँ सही कहा, क्योंकि आज तक तो किसी ने कौवे की तारीफ नहीं की थी। उसकी आवाज़ इतनी मधुर है ऐसा किसी ने नहीं कहा था। परंतु कौवा तो चुप रहा, वह कुछ भी नहीं बोला। कौवे भैया, तुम अपनी मधुर आवाज़ से मेरे लिए एक गाना नहीं गा सकते? कोई गाना सुनाइए ना। आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। परंतु कौवा अभी भी मौन था। वह कुछ नहीं बोला, वह चुप बैठा रहा, क्योंकि वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। वह मन ही मन यह सोचने लगा कि ये लोमड़ी रोटी का टुकड़ा पाने के लिए मेरी झूठी तारीफ कर रही है, वह नाटक कर रही है। कौवा लोमड़ी के झांसे में न आया और उसने अपनी चोंच की रोटी का टुकड़ा अपने पंजे से पकड़ लिया और वह जोर जोर से काऊ काऊ करते हुए गाने लगा। यह देख लोमड़ी तो दंग रह गई। आश्चर्यचकित होते हुए वह कौवे के सामने देखती रही। मन ही मन सोचने लगी, अरे ये कौवा तो बहुत समझदार लगता है। वह मेरी बातों में आने वाला नहीं है। लोमड़ी तो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। आखिर में कौवे ने आराम से रोटी खाई। देखा बच्चों, लोमड़ी ने कितनी भी चालाकी की पर कौवा उसकी बात में न आया। हमें भी अपनी झूठी तारीफ करने वालों से बचकर रहना चाहिए और गुमराह नहीं होना चाहिए। समझ में आया? सीख बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हाँ बिल्कुल सही, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपनी झूठी प्रशंसा से हमें बचना चाहिए। कई बार हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना काम निकालने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं। काम निकल जाने के बाद फिर हमें पूछते भी नहीं है, है ना? मतलब अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। क्यों बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है ना? हाँ, आप सब भी घर पर चित्रपाठ का अध्ययन करते रहना। नमस्ते।